गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान्स ब्लॉग। तो मैं आज यहाँ पे आके पहुँच चुका हूँ, मतलब सुबह 6 बजे तेजपुर से गाड़ी पे उठा था और तवांग पे आके 6 बजे ही उतर के दिया। तो थोड़ा रेस्ट लेके आप लोगों को ये ब्लॉग दिखा रहा हूँ। हीटर भी है और ये देखिए, और यहाँ पे मेरा रूम पे और एक चीज़ है, यहाँ पे वॉशरूम भी है और बाथरूम भी, गीजर भी है यहाँ पे। तो और कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे, माधुरी लेक भी जाएंगे, माधुरी लेक। मॉर्निंग गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से तवांग से निकल गया हूँ, माधुरी लेक जाएंगे ना, तो माधुरी लेक पे जाएंगे। आप लोगों को तो पता है माधुरी लेक कोयला फिल्म से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद इसके बाद कहाँ जाएंगे सर? माधुरी लेक, आज तो माधुरी लेक होकर ही आएंगे सर। माधुरी लेक होकर आएंगे ना, और जाते जाते कुछ देखेंगे क्या? देखेंगे सर, पंगतिंग लेक भी मिलेंगे सर आपको, नकुला लेक मिलेंगे सर। हाँ, लेक ही लेक है सर यहाँ, या सिर्फ लेक है ना। बाद में शाम को आके तवांग का लोकल विजिट करेंगे ना। जी सर, सर शाम को तवांग का ये लोकल एरियाज विजिट करेंगे, तवांग मोनेस्ट्री विजिट करेंगे और ये वार मेमोरियल विजिट करेंगे और बुद्धा पार्क विजिट करेंगे सर। जो रास्ता आप लोग देख रहे हो, 4-5 दिन पहले यहाँ पे पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। जो अभी हमारे साथ जो साथी आए हैं, साथी भाई ने बोला यहाँ पे 4-5 दिन पहले पूरा बर्फ़ से गिरा हुआ था, अभी नहीं है। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कब होगा कब नहीं होगा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब आज भी हो सकता है अगर वेदर ख़राब हो गया तो। वही लेक है जहाँ पे कोयला फिल्म का शूट हुआ है, तो इसको पाना लेक कहते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है। अभी यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ये दिखाने के लायक नहीं है आप लोगों को। तो ये जो पानी है, अभी पानी है निकल गया है, जब जमेगा तो ये बर्फ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही ठंडा है, अभी धूप के कारण यहाँ पे थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन डिग्री अभी यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कहते हैं नकुला लेक, और यहाँ पे हम लोग ने देखा, कितना अच्छा लगा आप लोगों को दिखाया। तो चलिए आपको फिर से दिखाते हैं, इसको कहते हैं नकुला लेक, और ये है नकुला लेक। चारों तरफ से घुमा के एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ, और यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लगा, लोग फ़ोटो खींच रहा है, और ये बीच में आप जा सकते हो, ये देखिए। ये पूरा बर्फ़ जम चुका है, तो अभी थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ गया है। तो फिर से हम अभी रवाना होंगे माधुरी लेक के लिए। तो ये देखिए पहाड़ के ऊपर इतना अच्छा लगा वो जगह, मतलब क्या कहूँ, यहाँ पे आके सेटिस्फाइड हो गया है, मतलब जिसके लिए यहाँ पे आया था, ज़्यादा नहीं मिला लेकिन कम चला। और रास्ते पे यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने रुका ये जगह देखने के लिए, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं हर अच्छा अच्छा जगह दिखाना चाहता हूँ। तो देख लीजिए ये क्या नज़ारा है यार। ये पानी जो दिख रहे हैं ना सामने, वो पानी धीरे धीरे बर्फ़ हो रहा है। चारों तरफ से पहाड़ और बीच में हम।
जगह देखिए पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो यहाँ पे मतलब क्या बताओ यार, यहाँ पे रुक जाओ या ठहर जाओ पता नहीं। देखिए पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है चारों तरफ से। और ये जगह बहुत ही ख़ास लगा मुझे क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था। ये देखिए बर्फ़ का पाउडर है यहाँ पे। तो ये जो माधुरी लेक जाते वक्त ये रास्ता मिल रहा है ना, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। तो क्या बताऊँ आपको मैं यहाँ पे। और यहाँ से सामने माधुरी लेक है, तो ये जगह पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये देखिए डार्ट हो चुका है पत्थर। ये माधुरी लेक पे जाते वक्त रास्ते पे मिलता है। तो ये देखिए वाटरफॉल, यहाँ पे पूरा बर्फ बन चुका है। तो ये देखिए पूरा आइस हो चुका है यहाँ पे। तो अभी मैं देख के मेरे साथ ये एक वाटरफॉल है। ये देखिए ठंडी की वजह से यहाँ पे पूरा पानी जम चुका है और थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है। तो पूरा पानी जम चुका है सीज़न पे, मतलब जो और ठंडा जब आएगा तो यहाँ पूरा बर्फ़ हो जाएगा, झरना मतलब फॉल नहीं रहेगा। तो ये देखिए ऊपर से पानी आ रहा है, तो इतना आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पे फिर 50% बर्फ़ हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये फ़ोटो खींच रहे हैं। तो नीचे है माधुरी लेक, वो माधुरी लेक अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और ये देखिए दूसरा झरना, यहाँ पे भी आधा कि बर्फ़ हो गए। और ये माधुरी लेक नीचे जो देख रहे हैं आप लोग, वो है माधुरी लेक। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। देखिए कितना बड़ा पहाड़, ये है माधुरी लेक। और इसका इस जगह का एक्चुअल नेम है जो सुंगस्टार लेक। जब से यहाँ पे कोयला का शूटिंग हुआ है इसका नाम रखा गया है माधुरी लेक। तो ये देख सकते हैं बहुत ही हवा चल रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इससे हवा चल रहा है ना, यहाँ पे बर्फ़ होने के बाद ये हवा रुक जाएगा। मैंने ड्राइवर से पूछा था, वो बोला कि अब जब स्नो होता है तब बर्फ़ हो जाते और हवा रुकते हैं। तो यहाँ पे माधुरी लेक देखिए चारों तरफ से कितना अच्छा नजर आई, और चारों तरफ से आर्मी आर्मी है यहाँ पे, और लोग भी आया है यहाँ पे विजिट करने के लिए चारों तरफ से। ये पहाड़ देखिए कितना ऊंचा है, और यहाँ पे एक ही मुश्किल है बात करना, मुँह खोलने से अंदर तक हवा चला जाता है। तो यहाँ पे माधुरी सिनेमा कोयला सिनेमा का एक गाना शूटिंग हुआ था, तब से यहाँ का नाम माधुरी लेक रखा गया है। असल में इस जगह का नाम है सुंगस्टान लेक। तो ये देखिए इंडियन फ्लैग, जय हिंद। चलिए इस नाव पे देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, चाय वगैरह कुछ खा सकते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे खाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। दिस इज कॉल माधुरी लेक।